छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। बहकी सभी जुबा है हम है हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तो हम लोग मुंबई तो उतर चुके थे, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट, क्योंकि इसे लेनी है पर्शियन कैट। हाँ, इसने मुझे पहले नहीं बताया, इसने बोला कि कपड़ों के लिए जाना है, कपड़ों के लिए जाना। बाद में तो ट्रेन में बोलता है कि मुझे पर्शियन कैट लेनी है, तो मैंने बोला ठीक है भाई चल। तो इसने कोई जगह ढूंढी है जहाँ पर अच्छी सी मिलती है, तो वहीं पे जाके देखते हैं। एंड मैं भी फर्स्ट टाइम क्रॉफर्ड मार्केट जा रहा हूँ, सो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेता है। मैंने इंस्टेंटली सोचा था कि मैं ब्लॉग शूट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। सो लेट्स गो। हम लोग अंदर तो पहुँच गए एंड यहाँ पे इतने क्यूट स्टोरी देखो, ये रैबिट्स है, ये देखो उनके छोटे छोटे बच्चे, रियली बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। ये आई थिंक तो लवबर्ड्स है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है एनिमल्स का। ये देखो लैब्राडोर कितना क्यूट है। रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। रियली बहुत क्यूट है, दिल आ गया भाई इनको, तो यहाँ मैं पिघल गया। ये वाली देखो ना, कौन सा वाइट वाला जो है, ये हस्की है फुल वाइट। हम लोग ने पर्शियन कैट खरीद ली एंड ये वाली खरीदी हमने, छोटी वाली। ये वाली खरीदी, ये वाली, हाँ सॉरी सॉरी वो वाली, ये एक महीने की है, सॉरी 1.5 महीने की। और ये भी बहुत क्यूट है, लेकिन हमारा दिल इसमें ही है, लेकिन वो भाई साहब इसमें कम नहीं कर रहे। देखो हमारी पर्शियन कैट क्यूट है, अरे इधर तो देख ले, ये पता नहीं यार मुंह क्यों नहीं दिखा रही है, ये क्यूट है यार। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना। हम लोग ये सोच रहे कि हम इस बिल्ली को लोकल ट्रेन में कैसे लेके जाए, हमारी खुद की हालत खराब हो जाती है, ये बेचारी तो छोटी बच्ची है, तो अब देखते हैं। चढ़ के हम लोग लगेज में चढ़े, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा लगेज है, महंगा लगेज है। आपके पास कौन सा पेट है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड प्रॉफिट मार्केट में काफ़ी सस्ते सस्ते पेट मिलते हैं रियली। ये हमें पड़ा 5000 का, आपको का हमें डॉग्स का प्राइस नहीं पूछा क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं था, लेकिन आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं चाहिए तो क्यों, कटिंग के से चालू हो जाएगा, कटिंग के से लैब का सब कुछ हो जाएगा सर। एक बार विजिट करना प्रॉफिट मार्केट, एंड सब चीज़ें सस्ती मिलती है, ओनली पेट्स का नहीं बोल रहा, पेट्स का एक अलग मार्केट है, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें वो काफ़ी सस्ती मिलती है, तो ज़रूर विजिट करना, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो अभी मैं घर पर आया, काफ़ी थक गया, और रियली मेरा सर दर्द भी हो रहा है थोड़ा, पता नहीं क्यों, बिकॉज आज थोड़ी ह्यूमिड है, आई मीन बहुत पसीना आ रहा है रियली। कल परसों तक तो बारिश थी बहुत, लेकिन बहुत पसीना आ रहा है, भूख लग रही थी तो मैंने बीच में वड़ा पाव भी ले लिया था। एंड अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा। अथर्व को नहीं लेनी थी वो कैट, अथर्व को किसी को गिफ्ट करनी है, मतलब हमारी कोई क्लोज फ्रेंड है उसी को गिफ्ट करनी है वो कैट। तो अब उसका बर्थडे 4-5 दिन बाद है आई थिंक सो, एंड उसको संभालने को नहीं हो रही, क्योंकि वो क्या 1.5 महीने की है ना, तो उसे क्या मुंह खोल के उसे खिलाना पड़ता है, आई मीन उसे फीड करना पड़ता है, वो काम अथर्व से नहीं हो रहा, तो वो बोल रहा है मैं अभी दे रहा हूँ उसको, मेरे से तो नहीं संभलेगी। एंड उसने उसकी मम्मी को भी नहीं बोला था,
अभी देखते हैं अभी कैसे क्या खिलाएगा वो। मैं उसके घर पे जाऊंगा फिर से, अगर मैं गया तो मैं उस ब्लॉग कंटिन्यू रखूंगा, एंड अगर नहीं गया तो ऑफ कोर्स ब्लॉग एंड करेंगे। एंड नेक्स्ट ब्लॉग भी मैं ज़रूर जल्दी डालूंगा, बिकॉज मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है। मैं अभी कहीं जा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉप पे रहना पड़ता है। तो अगर मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय। तो क्रिश अभी रेडी है वार्म अप सेट के लिए। अब क्रिश एक हाथ से एक बार उठा, एक हाथ से वाह। क्रिश अभी एक हाथ से उठाएगा, लास्ट में बाइसेप मारने वाला है इसका। ओ भाई एकदम क्रिश का एक्टिंग, तो क्रिश में क्लासेस लेने वाला हूँ अभी। अंदर से करता एक्टिंग। ओ माय गॉड क्रिश भाई, क्रिश ऑफ हो गया अभी। क्रिश 100 kg की रेडी है अभी। अन्ना देखो ये मारेगा, ये एक प्लेट मारेगा, ये फिर तीसरे सेट में, फिर ये सब मारेगा, है ना अन्ना? देखो भाई अन्ना की बॉडी देखो, मसल मैन। स्माइल अन्ना मार रहे 80 kg। अथरू का इतना हार्ड बॉडी है ना कि पहला सेट ही इसने 80 का मारा। अन्ना बाजू में कमेंट्री के लिए अब क्या कहना चाहते हो कुछ इस वीडियो में? बेइज्जती हो रही हो आप, सीधा सीधा आते हो कि क्या आते हो आप? आगे से रास्ते हैं, इसलिए चेस्ट में 35 kg उठाया है मैं, 30 ही भाई लेके रखता उठा यार। वीडियो में दिखाता हूं ये देखो देखो अन्ना कितना नाटक करते हैं। एक्सप्रेशन देखो ये नाटक था अभी। वेकअप टू रियलिटी, वेकअप टू रियलिटी। गजब बेइज्जती है।